नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से जागरूक करने वाला हूं, बिल्कुल लाइव बताऊंगा। और ये चोर दोस्तों, मैंने जब मेरे भाई के साथ ये धोखाधड़ी हुई थी और उस समय भी मैंने उसको समझाया था कि ये केवल फ्रॉड है, लेकिन फिर भी वो इस चंगुल में फंसा। मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले तो आप लोग रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। इस वीडियो का मेन मकसद क्या है कि किस तरह से ये फ्रॉड लोग आप लोगों को कॉल करके अपने झांसे में लेते हैं और आप लोगों को लगता है कि भैया हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ये जो भी करेंगे बिल्कुल सही है। वो किस लिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ऑडियो सुनाने से पहले ये चीजें एक दिखाना चाहता हूँ। ये है कुछ प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं दोस्तों, ये मुझे पड़े हैं जो कि 50 से 60 रुपए के प्रोडक्ट हैं। ये चारों प्रोडक्ट हैं, मुझे नहीं पड़े, मेरे भाई को बेवकूफ़ बनाया गया था, जो कि केवल 60 से 70 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए के होंगे ये प्रोडक्ट। और इसको टेलीशॉपिंग के नॉम पर यहाँ पे उसके नंबर पे कॉल करके बोला गया है कि आप यहाँ पे विजेता बन चुके हैं, आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है। सैमसंग के फ़ोन के लिए उसको कॉल आया था। ये सैमसंग का फ़ोन आप लोगों को मिल रहा है जो कि 4,500 रुपये के प्राइस में। आप इसको लेना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस बताइए, बुकिंग कर लीजिए, आपके पास दोबारा कंफर्मेशन आएगी बुकिंग के लिए। और वो एड्रेस वगैरह बता दिया और उन्होंने कहा कि आप अपना पैसा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी पर अपना पैसा दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ने, भैया किसी के पास भी कॉल जाए तो वो भरोसा करेगा कि चलो कैश ऑन डिलीवरी है, प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास, तो चलो कैश ऑन डिलीवरी पे हम दे करके ले लेंगे प्रोडक्ट। लेकिन दोस्तों, जब आप पैसा दे करके प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर से इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। तो चलिए आप लोग ऑडियो सुन लीजिए कि किस तरह से ये लोग बात करते हैं। खास करके ये लोग लड़कियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि लड़कियाँ लोगों को भरोसा लेने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होती हैं। तो आप लोग ऑडियो सुन लीजिए, फिर हम लोग लास्ट वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें करती हैं और किस तरह से आप लोग चीज़ों से बच सकते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर, मैं मोबाइल फोन की कंपनी से बात कर रही हूँ सर। कौन सी मोबाइल फोन? सर एमआई की कंपनी से। सर मैंने आपको जानकारी देने के लिए कॉल की है, जो आप नंबर यूज कर रहे हैं हमारी हाँ। कंपनी में डिस्काउंट ऑफर में सिलेक्ट हुआ है, जिससे कंपनी आपको एक मोबाइल फोन दे रही है एमआई का, रेडमी नोट 7 प्रो। क्या आप लेना चाहेंगे सर? 4,000 रुपये का है। रेडमी नोट 7 प्रो 4,000 का? नहीं, हाँ न्यू फोन है, 1 साल की गारंटी, 1 साल की बिल वारंटी के साथ कंपनी आपको दे रही है। और ये सर देखिए, 2 दिन के लिए ऑफर निकाला हुआ, उसके बाद सर ये ऑफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अपनी मार्केटिंग आगे बढ़ाने के लिए 10 नंबर सिलेक्ट किए थे, जिसमें से आपका नंबर भी सिलेक्ट हुआ है, इसमें कंपनी आपको भी दे रही है, हर किसी को दे सर। अच्छा, तो मैम इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपना नाम और एड्रेस देके सिर्फ बुकिंग करानी है, बुकिंग के कोई चार्जेस नहीं है। 1 हफ्ते के बाद जब आपका मोबाइल फोन नियर बाय आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा, तभी आपको हैंड टू हैंड पेमेंट करके हैंड टू हैंड लेना होगा। अच्छा, मतलब पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे है? कैश ऑन डिलीवरी आएगी सर। अच्छा मैम, तो फोन ही आएगा ना, मतलब और कुछ तो नहीं आएगा ना उसके साथ? सर न्यू फोन आएगा सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मत कराइए बुकिंग, हम आपसे जबरदस्ती तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो बुकिंग के चार्जेस देने होंगे मैम कुछ? नहीं, बुकिंग के कोई चार्जेस नहीं है, मोबाइल फोन आने के बाद ही सिर्फ आपको ओनली 4,000 रुपए की पेमेंट करनी है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कुरियर खर्चा कुछ नहीं लगेगा आपका। अच्छा मैम, अगर मैं पहले फोन को देख लूं कि फोन है कि नहीं उसमें, तब फिर मैं पैसे दूं? हेलो हेलो, हाँ अगर जी पहले मैं डिलीवरी रिसीव कर लूं और जो आपका डिलीवरी बॉय रहेगा सर, उसको देखिए पोस्ट ऑफिस में जाइएगा, आप 4,000 की पेमेंट कीजिएगा, साइन कीजिएगा, उसके बाद वहीं पे खोल के चेक करके चला के देखिएगा। अगर फिर भी आपको हमारी कंपनी में कोई डाउट लगता है तो आप हमारा मोबाइल फोन पुलिस स्टेशन ले जाइएगा, वहाँ पे खोल के चेक करके चला के देखिएगा। अच्छा मैम, ठीक है, तो आप इसको बुक कर दीजिए। ठीक है, नाम बता दीजिए आप मुझे अपना। हाँ, मेरा नाम रवि है। रवि, पूरा नाम बताइए सर आपका। रवि कांत। रवि कांत जी। और ये बताइए सर, डिस्ट्रिक्ट आपका जिला क्या लगता है? एड्रेस इसलिए ले रहे हैं ताकि हम आपके मोबाइल फोन का बिल बना सकें। अगर आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपको देखिए अपना एड्रेस इसलिए पूछते हैं आपका क्योंकि सर हम आपका पूरा बिल बना के देते हैं। ठीक है सर, देखिए मैंने बुकिंग कर ली है, कल आपके पास मैडम की कॉल आ जाएगी तो मैडम आपका बिल वारंटी कार्ड बनाएंगी इस मोबाइल फोन का, तो प्लीज सर फोन उठा के बिल वारंटी कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनवाते हैं तो ये ऑर्डर यहाँ से आपका कैंसिल हो जाता है। ओके सर। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे सर।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ऑडियो सुना, मैं आप लोगों को ऑडियो के बीच में इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि आप लोग सुन लीजिए अच्छे से। जिनको चोरियों से बचना है और जो लोग थोड़ा सजग रहना चाहते हैं अपने आप से, वो पूरा सुने होंगे ऑडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों के पास इस तरह के कॉल्स आते हैं, तो आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आप लोगों को वो कॉल किस लिए किया जा रहा है, और आप लोगों का वो नंबर सेलेक्ट हुआ है तो नंबर वो कहाँ से सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं करी है, यहाँ पर मुझे जैसे ही कॉल आया मेरे पास, मुझे पता लग गया कि भैया ये लोग तो चोर लोग हैं, मुझे ठगने के लिए कॉल किए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने इसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाई जाए। ये कल की कॉल है, 31 अक्टूबर 2019 की कॉल है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सबसे पहले उस नंबर को फ्रॉड पे रिपोर्ट कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये लोग नए नंबर से कम एक हफ्ते तक उसको यूज़ करते हैं, जब तक कि ऑर्डर प्लेस ना हो जाए, ठीक है, और जब तक वो डिलीवर ना हो जाए। जैसे कि आज एक नंबर स्टार्ट किया, तो इन लोगों के पास लगभग 100 बकरे होते हैं, जो इनकी भाषा में होते हैं 100 बकरे होते हैं। तो उन 100 बकरों को जब तक ये लोग कॉल करके बुक नहीं कर लेते, ऑर्डर्स वगैरह डिलीवर नहीं करते, तब तक ये इनका नंबर ऑन रहता है। तो आप लोग ऐसे नंबरों को तुरंत फ्रॉड लिस्ट में डालें, यानी कि उनको तुरंत रिपोर्ट करें, जिससे कि दोस्तों और लोगों तक ये कॉल जाए। अगर वो किसी तरह के ऐप्स यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने उनको फ्रॉड स्पैम पे डाल रखा है, तो उनके पास इस तरह के मैसेज आ जाएंगे कि इन लोगों ने रिपोर्ट करा है कि ये स्पैम है, तो इससे वो बच पाएंगे। अब दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप लोगों को क्या करनी है, सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ें आप लोगों को कहाँ से मिली हैं, और दूसरी चीज़ कि आप कभी भी इस तरह की बहकाव में ना आए कि आप लोगों को कोई कह रहा है कि आप लोगों को इतनी छूट मिल रही है, 80% डिस्काउंट मिल रहा है, आप लोगों को इस लिंक से जाना है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो इन लोगों से भी आप लोग दूर रहिएगा। वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लोग लिंक्स पे क्लिक करते हैं, तो कुछ वायरसेस आप लोगों के फ़ोन्स में आ जाते हैं। अब फ़ोन से आप लोग अपने नेट बैंकिंग को या फिर किसी भी चीज़ को, जो आप फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं, तो वो लोग उसको ट्रैक कर लेते हैं। जैसे कि कई लोगों में पेटीएम होता है, फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, कोई पर्टिकुलर बैंक के ऐप्स होते हैं, तो उनको वो लोग एक्सेस कर लेते हैं। आप लोग जो भी कर रहे हैं वहाँ पे, वो अपने कंप्यूटर में बैठ करके देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पे जो भी आप लोग पासवर्ड डालेंगे, जो भी आप लोग यूज़र आईडी डालेंगे, या फिर जो भी आप लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ वो लोग देख सकते हैं। यहाँ तक कि OTP आएगी जो आप लोग के ट्रांजेक्शन की, वो भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को आखिरी काम ये करना है कि दूसरों तक फैला देना है, जिससे कि वो भी इस तरह के फ्रॉड से बच सके, उनके पास भी इस तरह के प्रोडक्ट ना आए, 4,500 रुपये वो पे करें और उनको 100 रुपये से भी कम के प्रोडक्ट्स मिले। खैर ये मूर्तियां हैं, कछुआ है कुछ, और ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, और यहाँ पे ये शायद कुछ है यहाँ पे, और एक प्रोडक्ट नीचे गिरा हुआ है। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे इस तरह सचेत रहना है। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो लाइक भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो आगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।